चैनल में मैं कृपाल लोधी आज हम आपको बताने वाले हैं डायस या पांसा के बारे में। इसके पहले हम पांसा का एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो पार्ट फर्स्ट था। उसमें हमने आपको सभी कंडीशंस बताई थी जितनी भी हो सकती हैं डायस में पांसा में, लेकिन उसमें हमने आपको बताया था पासे पर उपस्थित विपरीत सतहों पर कुछ भी अंक रंग वर्ण या कुछ भी अल्फाबेट वगैरह देखना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्योंकि हम आपको लगभग सभी विषयों की पूरी तैयारी करवाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज का जो हमारा विषय होगा ये होगा खुला पांसा और बंद पांसा, मतलब इसको हम पांसा प्रसार भी कहते हैं। क्या कहते हैं देखते हैं, इसको हम कहते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है ये है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पांसा प्रसार। ठीक है, इस पांसे प्रसार में हम क्या देखते हैं, ओपन जो डायस होता है मतलब जो खुला पांसा होता है, खुले पांसे से हम क्लोज डायस बनाएंगे, मतलब खुले पांसे से बंद बनाएंगे और बंद पांसे से खुला पांसा बनाएंगे। आज का चैप्टर हमारा ये होगा मुख्यतः। अब ये पांसा प्रसार या ओपन डायस क्लोज डायस क्या कहलाते हैं इनको देख लेते हैं। यदि कोई पांसा इस फॉर्मेट में हमें दिया गया है, देखो इसमें यदि हमें कोई पांसा दिया है, या मान के चलो कभी कभी घन भी शब्द लिख देता है एग्जामिनर, पांसा और घन एक ही माने पर विमीय आकृतियां होती है, घन में ऐसे ही बनता है, पांसा भी ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें ये तीन सतहें केवल दिखाई देती हैं और यहां कुछ भी लिखा होता है, या तो अंक लिखे होते हैं या रंग या वर्ण या अल्फाबेट या सिंबल कुछ भी। ठीक है, जैसे हम कहें थीटा एट द रेट कॉपीराइट कुछ भी यहां लिखा होता है, तो ये जो कहलाता है इस प्रकार का पांसा ये कहलाता है बंद पांसा। क्या कहलाता है बंद पांसा, इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा चाक का डिब्बा, चाक का डिब्बा इसी प्रकार का होता है, या कोई भी कार्टून जो घना या मुख्यतः घन के आकार का होता है वो इस प्रकार का होता है, इसे हम क्लोज डायस कहते हैं, बंद पांसा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, आपने चाक का डिब्बा यदि देखा हो वो घनाकार होता है, बिल्कुल पांसे के आकार का होता है, पांसा त्रिविमीय आकृति है, मतलब कहीं से भी देखो इसकी आधी सतहें दिखती हैं आधी दिखती नहीं है। ठीक है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं त्रिविमीय आकृति, थ्री डायमेंशनल डायग्राम से थ्री डायमेंशनल फिगर वो कहलाती है। तो ये बंद पांसा इस प्रकार से होता है। अब जो खुला पांसा होता है इसमें कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे खुला पांसा इसमें आपको हमेशा यह देखना होता है कि छह सतहें दी गई हैं कि नहीं दी गई, जैसे इस प्रकार से हम इसमें बना दें कुछ भी छह सतहें ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से हमने यहां पर ये खुला पांसा है। इसमें देखो आप कितनी सतहें आपको दिख रही हैं, एक दो तीन चार पांच छह। खुला पांसा का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमने उस चाक के डिब्बे को तोड़ दिया है, इस प्रकार से फैला दिया है, फोल्ड नहीं किया उसको हमने, क्या कर दिया है इस प्रकार से फैला दिया है, उसको बिखरा दिया है, तो एक सतह पूरी बन गई है, तो अलग अलग जो परतें हैं वो बिछ गई हैं, तो वो बिछ गई हैं, तो मान के चलो यदि इस प्रकार से बिछ गई, देखो ये पूरी बिछी हैं, ये पूरे एग्जांपल जो हमने यहां पर लिखे हैं ये पूरे एग्जांपल स्टूडेंट्स ये ओपन डायस के हैं, ये खुले पांसे के हैं, ये पूरे के पूरे खुले पांसे हैं। प्रश्न यहां से कैसा आता है, प्रश्न ऐसा ही आता है कि आपको खुला पांसा दे देंगे और फिर यहां से कहेंगे एक प्रकार का तो यही होता बिल्कुल सरल, खुला पांसा उन्होंने आपको दे दिया और विपरीत सतह पर उपस्थित रंग अंक या वर्ण जो कुछ भी यहां पर शो हो रहा है जो दिख रहा है उसके विपरीत सतह पर उपस्थित अंक वगैरह पूछ लेते हैं, एक टाइप तो ऐसा बनता है। इसी से जो दूसरा टाइप क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इस खुले पांसे को यदि हम बंद करेंगे तो किस कौन सा पांसा बनेगा निम्न में से, आप सुन रहते हैं अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, या तो इन्हीं के कहेंगे कि एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, ठीक है हालांकि एक के विपरीत तीन होगा, डी के विपरीत एफ होगा इस प्रकार से, और दूसरा पूछते हैं कि इस खुले पांसे से कौन सा बंद पांसा बनेगा, इस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हाँ ये हम आपको बता रहे थे, इस प्रकार का यदि कोई डायस बना हुआ है तो ये कहलाता है ओपन, ओपन का मतलब होता है ये खुला पांसा या खुला डायस यहां पर बना हुआ है। अब हमें हमेशा याद रखना है एक रूल्स होता है इसका, एक ही नियम होता है, खुले पांसे में सबसे पहले हमें, चाहे खुले पांसे से हमें बंद पांसा ही क्यों ना बनाना हो, या वो ऐसा कह सकते हैं यहां के एफ का विपरीत क्या होगा, ए की विपरीत सतह पे क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, ठीक है,
अब विपरीत के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आप जानते हो, पहले वीडियो में बता चुके, एफ को यदि आगे रखें तो पीछे की सतह पर क्या होगा, एफ को बाएं रखें तो दाएं क्या होगा, एफ को नीचे रखें तो ऊपर क्या होगा, एफ को टॉप पे रखें तो बॉटम पे क्या होगा। कुल मिला के विपरीत शब्द को किसी भी प्रकार से जमा के बोल सकते हैं, एफ को एलएचएस रखें तो आरएचएस क्या होगा। स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन हमें आते हैं। यहां क्या लगता है, यहां एक रूल्स लगता है जिसे हम अल्टरनेटिंग का रूल्स कहते हैं। हमेशा याद रखना कौन सा नियम लगेगा, अल्टरनेटिंग का नियम इसमें लगता है कौन से पासे में, खुले पासे में। खुले पासे में कभी भी आपको विपरीत सतह पर उपस्थित अंक रंग वर्ण ठीक है अल्फाबेट या सिंबल कुछ भी आपको लिखा है यदि आपको देखना है तो क्या लगता है, अल्टरनेट का नियम लगता है स्टूडेंट्स ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि अल्टरनेट का रूल्स क्या कहलाता है। तो अल्टरनेट का जो रूल्स नियम कहलाता है स्टूडेंट्स वो ये कहलाता है कि अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके। सबसे पहले हमें इन सतहों को गिनना है, एक दो तीन चार पांच छह, हमेशा क्योंकि पांसे पर छह सतहें ही होती हैं, तीन हमें दिखती हैं तीन दिखती नहीं है ठीक है, इसी पर पूरा पांसा डिपेंड होता है। तो अल्टरनेट का नियम क्या होता है, एक छोड़ के, जैसे यदि हम इसमें निकालें तो एफ के विपरीत सतह पर ए होगा, एफ का विपरीत क्या होगा ए, क्योंकि ई छोड़ दो, अल्टरनेट का मतलब ये सबसे पहले हमें एक छोड़ के एक जो भी मिल रहे होते हैं वो हमें पहले निकाल लेना होता है। जैसे एफ के विपरीत सतह पर ए होगा, यहां बी में सी छोड़ दो, बी की विपरीत सतह पर डी होगा ठीक। और फिर हमें ध्यान रखना है बचे का, बचा हुआ होता है क्योंकि ये चार दो पेयर बन गए मतलब चार का एडजस्टमेंट हो गया। अब दो बचे, यहां बचा है ई और यहां बचा है सी, मतलब ई की विपरीत सतह पे क्या होगा सी। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको आते हैं, कहेंगे सी को आगे लिखा जाए तो पीछे क्या होगा ई, डी को आगे रखा जाए तो पीछे क्या होगा बी ठीक है, एफ को ऊपर रखा जाए तो नीचे की सतह पर क्या होगा ए, कुछ नहीं, वो तो एफ का विपरीत ए, ए का विपरीत एफ, बी का विपरीत डी, डी की विपरीत सतह पर बी, ई की विपरीत सतह पर सी, सी की विपरीत सतह पर ई। स्टूडेंट्स इस प्रकार लिखें, ये हमने एक सरल प्रश्न लिखा था, इस प्रकार की कई कंडीशन वहां हो सकती है। ये पूरे के पूरे जो प्रश्न लिखे हुए स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न आप अल्टरनेटिंग के नियम से बना सकते हो, एक छोड़ करके एक ठीक है। और भी हम देख लेते हैं, अब आप ये समझ गए होगी, एक आध हम और बना के बता दे रहे, एक आध और बना दे रहे किसी भी प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। इस प्रकार से तो यहां दो की विपरीत सतह पे क्या होगा एक, एक की विपरीत सतह पे दो, चार की विपरीत सतह पे पांच, एक छोड़ देना है आपको हमेशा, एक अंक छोड़ के एक खाना छोड़ करके अगला जो होता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो दो का विपरीत एक या एक के विपरीत दो, चार के विपरीत छह, छह के विपरीत पांच, बचे का बचा होगा, तीन के विपरीत सतह पे कितना आ रहा होगा छह आ रहा होगा ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए, इसी का यदि हम रिवर्स कर दें, इसी का हम रिवर्स कर दें कि वो क्या करते हैं कि कोई भी इस प्रकार से पांसा बना हुआ दे देते हैं, कोई भी आपको एक डाइस वो बना हुआ दे देंगे, कुछ भी यहां कुछ भी लिख देंगे, मान के चलो उन्होंने लिख दिया ए बी एक कुछ भी, और फिर यहां फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, कहेंगे यदि ये इस बंद पांसे को खोला जाए तो इनमें से कौन सा पांसा बनाया जा सकता है। वो हमने प्रश्न कहां लिखे हैं, ये दो प्रश्न इस प्रकार के हमने यहां, ये सोलहवां और सत्रहवां ये हमने लिखे हैं, खुले पांसे से बंद पांसा बनाना ठीक है स्टूडेंट्स। तो कौन सा नियम लगना है, अल्टरनेटिंग का नियम यहां पर लगना है, एक छोड़कर एक जो होता है वो विपरीत सतह पर होता है। अब हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इन प्रश्नों को समझ लेते हैं, इनको देख लेते हैं, और ये सभी के सभी कैसे क्वेश्चन हैं, ये अब हम ओपन डायस से क्लोज डायस बना रहे हैं ठीक है, क्या कर रहे हैं ओपन डायस से क्लोज डायस बना रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, मान के चलो इसमें विपरीत सतहों पर उपस्थित अंक ही पूछ लिए, तो देखो इसमें अल्टरनेट का नियम इसमें लगाओ, एक के विपरीत सतह पे क्या होगा तीन, एक का विपरीत तीन ठीक है, फिर एक का विपरीत तीन हो गया, हालांकि ठीक है अभी आपको ये एकदम से समझ में नहीं आएंगे एक क्वेश्चन, चलो खैर ठीक है बता दे रहा है, एक का विपरीत क्या हो गया तीन। अब बाकी हमें अल्टरनेट और कहीं हमें दिख नहीं रहे, यदि स्टूडेंट्स और कहीं नहीं दिख रहा है अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे हम पांच का निकाल रहे होंगे तो देखो ये तो इसकी बाउंड्री पांच की बाउंड्री दो और तीन, पांच की बाउंड्री जो है ये दो और तीन को तो टच कर रही है, ये मतलब ये तो निकटवर्ती सतह हो गई, ये कैसे हो गई निकटवर्ती सतह, तो निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, मतलब पांच का विपरीत सतह पे क्या रहा होगा तो दो और तीन तो हो नहीं सकता, देखो तीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक का हो गया, दो भी नहीं हो सकता
ठीक है। अब हमें कौन सा रूल्स लगाना है, अल्टरनेट का। देखो आप इस प्रकार से लगा दो, पांच के बाद में सीधी रेखा खींचो, पांच के बाद में तीन छोड़ दो, पांच की विपरीत सतह पे क्या होगा, छह होगा। अब क्या बचा यहां से, अब बचा कितना, हाँ दो का निकल तो रहा था, दो का विपरीत क्या होगा यहां पर, चार होगा। देखो यहां दो का विपरीत चार, यहां अल्टरनेट का नियम लग रहा है, समझ पा रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको इस प्रकार से कैसे पासे बनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां हाँ अभी ये हमने क्या निकाल दिए, विपरीत सतहों पर उपस्थित अंक निकाल दिए। अभी इतना ही समझो, फिर हम अभी आपको इससे कौन कौन से पासे बन सकते हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा रहे हैं। यहां देखो, यहां अल्टरनेट का नियम लगाओ, तीन की विपरीत सतह पे क्या होगा, पांच, और पांच की विपरीत सतह पर तीन। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, एक खाना छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां दो के अपोजिट क्या होगा, तीन छोड़ के चार होगा, बचे का बचा हुआ, यहां छह बचा, यहां एक बचा, छह की विपरीत सतह पे एक होगा। यदि इस प्रकार का खोला पासा आता है तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि छह को यदि आगे लिखा जाए तो पीछे की सतह पे क्या होगा, तो आप कह दोगे एक होगा, ठीक है। विपरीत सतहों पर उपस्थित अंक हमने सभी के सभी निकाल दिए, ठीक है। यहां निकाल सकते, ये तो और ही सरल है, एक के बाद में दो छोड़ दो, एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, तीन होगा। और आसानी से जो निकाला, अभी दो का नहीं ढूंढो आप, दो का अपने आप मिलेगा। यहां देखो, यहां तीन के पेयर बन रहे, तो यहां अल्टरनेट का नेम लगाएंगे, डी की विपरीत सतह पे ई छोड़ के, डी की विपरीत सतह पे क्या होगा, एफ होगा। अब बचे का बचा हुआ हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यहां क्या बच गया, दो बच गया, और यहां क्या बच गया, ई बच गया, माने दो के विपरीत सतह पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ई होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक चार के आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हम यहां बता दे रहे, ठीक है। ये साई बना है, थीटा को छोड़ दो, अल्टरनेट का नियम लगाओ, तो साई के विपरीत सतह पे क्या होगा, अल्फा, और यहां एक छोड़ के बीटा के विपरीत सतह पे क्या होगा, यहां बीटा के विपरीत सतह पे होगा एट द रेट, ठीक है। और बचे का बचा हुआ थीटा के विपरीत सतह पे क्या होता, गामा होता, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख के बताएं। अब एक ये सात, दस और आठ हम आपको बता रहे, इसी प्रकार की कंडीशन ये बनी है नौ नंबर पे। तो स्टूडेंट्स आप ये नौ नंबर का क्वेश्चन भी हमें सभी सतहों पर उपस्थित विपरीत अंक लिख करके हमें दिखाएं कि पांच के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, इस टाइप से, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एक के ही समान है, इसलिए आप इसको बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी हम आपको ये जो आठवां है, सातवां, दसवां, ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप इस प्रश्न क्रमांक नौ को नोट कर लें, क्योंकि हम इसे साफ करने वाले हैं। लिख गया होगा, क्योंकि हमें यहां जगह की आवश्यकता है, इसलिए, ठीक है, नौ। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इसका सभी सतहों पर उपस्थित अंक क्या होंगे, रणा लगा के, डैश लगा के आप लिख देना उसमें। सबसे पहले देखो, इसमें हमें जो आसानी से निकल रहे होते हैं वो हमें निकाल लेना है अल्टरनेट का नियम लगा के। तो दो को यदि छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, एक के विपरीत सतह पे कितना आ रहा होगा, तीन। यदि एग्जामिनर ने केवल इतना ही पूछा है कि एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो हम यहां तीन ऑप्शन दे सकते हैं, तीन की विपरीत सतह पे तो एक, बाकी हमें करने नहीं है, ठीक है। बाकी हम सब निकाल के आपको बता रहे। फिर देखो, यदि इस प्रकार से हम देखते हैं तो चार की विपरीत सतह पे क्या देख रहे हैं, दो को छोड़ के अल्टरनेट में एक खाना छोड़ते हैं, हमेशा नियम है। तो चार की विपरीत सतह पे क्या देख रहा हूं मैं, यहां चार की विपरीत सतह पे पांच, दो पेयर तो निकल आए, ठीक है। और कुल कितने, तीन पेयर बनते हैं, क्योंकि छह सतहें होती हैं पासे की, या घन घन आपकी छह सतहें ही होती हैं, छह सतहें होती हैं इसकी, ठीक है। या फलक जिसको हम कहते हैं, बारह कोरें होती हैं, आठ शीर्ष होते हैं, चार विकर्ण होते हैं, और चार पार्श्व फलक होते हैं, ठीक है। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, कोरे मतलब भुजाएं, साइड्स बारह होती हैं। अब यहां बचे का बचा हुआ, तो यहां क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, यहां बच रहा है दो, देखो दो बच रहा है, बचे का बचा हुआ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न में जो बचे का बचा हुआ होता है, तो एक खाने में तो ये दो पूरा पूरा खाना बना है, पूरा कवर हो रहा है, तो दो तो हम लिखेंगे, बाकी जितना भी जो कुछ भी बचा हुआ है वो पूरा का पूरा दो के अपोजिट सरफेस पे होगा, माने दो के विपरीत सतह पे होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न, जैसे ये इस प्रकार के कोने बने हैं, तो हम यहां इस प्रकार के कोने बना सकते हैं, और ज्यों का त्यों बाएं तरफ से चालू कर दिया करे घड़ी, क्लॉक वाइज में कर दिया करे घड़ी की रोटेशन के हिसाब से, मतलब ऋण यहां आएगा, ऊपर जीरो रखा तो जीरो होगा, ये यहां बराबर है तो बराबर होगा, और यहां कट लगा तो ये कट्टिस गुणा जो भी है वो यहां होगा। मतलब ये हमने देखो सभी के विपरीत सतहों पर उपस्थित जो भी आ रहा है वो हमने इसमें निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, इसमें भी पहले अल्टरनेट का रूल्स लगाओ, एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, दो को छोड़ दो, छह होगा,
ठीक है। फिर छह छोड़ दो, दो के विपरीत सतह पे क्या होगा, तो दो के विपरीत सतह पे क्या होगा, पांच होगा। अब क्या बचा, बचे का बचा हुआ, बचा क्या है, एक के विपरीत छह आ गया, दो के विपरीत पांच आ गया। अब केवल हमें ये एक दो तीन चार, ये चार सिंबल बचे हैं, तो चार सिंबल बचे हैं तो इनका आधा आधा कर दो, क्योंकि हमें तो छह सतहें चाहिए। तो इसमें क्या रहा होगा, यहां लगा है ऋण और यहां लगा है कट्टिस, समझ रहे आप, यहां ऋण और कट्टिस के विपरीत सतह पे क्या होगा, यहां धन और क्या होगा, बराबर होगा इसके विपरीत सतह पे। ठीक है, अब यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा आप आसानी से निकाल सकते हो। इसको देख लेते हैं हम, इसको कैसा करोगे, एक के विपरीत सतह पे क्या रहा होगा, एक के विपरीत सतह पे कितना आ रहा होगा, प्रश्न क्रमांक 10 कर रहे हैं, एक के विपरीत सतह पे अल्टरनेट का नियम लगाओगे, दो छोड़ के कितना आ रहा होगा, तीन आ रहा होगा। चार के विपरीत सतह पे कितना आ रहा होगा, चार के विपरीत सतह पे पांच आ रहा होगा। बचे का बचा हुआ क्या बच गया, दो बच गया, तो दो के विपरीत सतह पे क्या आ रहा होगा, दो के विपरीत सतह पे इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि ये नोक बनी है, त्रिभुज बने हैं, तो त्रिभुज में ही विपरीत हो गए, और यदि इस प्रकार के चतुर्भुज बने हैं, आयत वर्ग टाइप के बने हैं, तो उसके विपरीत में यही होंगे। कभी भी त्रिभुज की अपोजिशन में ऐसा लिखा नहीं आ सकता आपको, ठीक है। तो दो के विपरीत सतह पे क्या होगा, क्लॉक वाइज चल जाओ, जीरो एच बराबर और गुणा, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आ रहे होंगे। बाकी जो हमने कमेंट बॉक्स में आपसे कहे हैं वो आप हमें हल करके बताएं। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो खुले पासे से बंद पासे का बनना वाला होता है, ये हम आपको समझा ही दे रहे हैं। देखो कैसे, कोई भी क्वेश्चन हम एक सरल क्वेश्चन ले ले रहे हैं, हालांकि बाकी जितने होते हैं सब प्रकार के हमने यहां बताए, इससे ज्यादा कठिन होते ही नहीं है, आते ही नहीं। जैसे हमने यहां पर इस प्रकार से कोई भी पासा हमने खुला बना लिया, ओपन डाइस हमने बना लिया, यहां लिखा है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, किसी प्रकार से भी बना सकते। अब एग्जामिनर हमसे कहेगा, क्या कहेगा एग्जामिनर हमसे कहेगा कि कोई भी पासा दे देगा ऑप्शन में, कि निम्न में से कौन सा पासा बन सकता है, और चार ऑप्शन आपको लिखे रहेंगे, कहेंगे कि इस प्रकार का खुला पासा आपको दे रखा है, ऐसा देखो इस प्रकार का खुला पासा आपको दे रखा है, और कहेंगे इन चार पासों में से इस खुले पासे को यदि बंद किया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है, यदि इसे क्लोज किया जाए, इस खुले पासे को यदि क्लोज किया जाए तो इन चार पासों में से कौन सा पासा, कौन सा डाइस बन सकता है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। फिर इसका रिवर्स होता है, बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या एक नियम केवल लगाना होता है, एक नियम यदि आप ध्यान रखो तो पूरा का पूरा ओपन डाइस और क्लोज डाइस के पूरे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, केवल एक नियम आपको ध्यान रखना है। बोलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब हम आपको क्या बता रहे थे कि यदि कोई भी ओपन डायस या खुला पांसा दिया गया है, इससे हमें बंद पांसा बनाना है, तो इसका केवल एक नियम आपको याद करना है। यदि आप ये नियम याद कर लेते हो तो यही की फैक्ट है इसका, आप कभी नहीं भूल सकते। वो नियम क्या है, पांसे पर उपस्थित दो विपरीत सतहें दो विपरीत सतहों पर उपस्थित रंग अंक वर्ण कुछ भी, दो विपरीत सतहों पर उपस्थित रंग अंक वर्ण सिंबल कुछ भी ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। आप इसे लिख लें क्योंकि हम साफ करने वाले हैं। क्या लिखा हमने, ध्यान से पढ़ो, दो विपरीत सतहों पर उपस्थित जो भी चीज दी गई है वो ना तो एक साथ देख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। ये है स्टूडेंट्स, इसको आप याद कर लें। अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले हम, अच्छा क्वेश्चन कैसा है, प्रश्न ये है कि इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है, ठीक है। कई ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको दिए होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें अपोजिट सरफेस पर उपस्थित जो भी दिया है वो हमें निकाल लेना है। जिसके जैसे ए की विपरीत सतह पे क्या होगा, अल्टरनेट का नियम लगाओ, बी होगा। डी की विपरीत सतह पे क्या होगा, डी की विपरीत सतह पे ई होगा। बचे का बचा हुआ होता है ऐसा नियम है। सी की विपरीत सतह पे क्या होगा, सी के विपरीत सतह पे ई आ रहा होगा, ठीक है। ये हमने, यदि इतना ही पूछा होता तो हो गया, किसी के विपरीत पूछे हमने सबने कर दिए, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता। अब कहेगा कि अब हम एक एक पासा चेक कर रहे हैं, क्या ये पासा बनेगा,
अब देखो आप, क्या ये पांसा बनेगा? कुछ भी हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां से हमने ए उठा लिया, यहां से हमने बी उठा लिया और यहां से हमने सी उठा लिया, क्या ये पांसा बनेगा? आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, देखो यहां आपने सबसे पहले इस पांसे के विपरीत आपको निकालना ही है, हमेशा निकालना है, ठीक है, खुले पांसे के विपरीत निकाल लेना। अब यहां टिक लगाओ, यहां ए दिख रहा है तो ए में निशान लगा लो सही का, यहां पर बी दिख रहा है बी में सही का निशान लगा लो, और यहां सी दिख रहा है तो सी में सही का निशान लगा लो। देखो आप इसमें ए के विपरीत सतह पर क्या था, बी था, ए की विपरीत सतह पर क्या था, बी था, मतलब ये तो ए और बी कैसी सतह है, विपरीत सतह है, जबकि यहां ए और बी कैसे हैं, देखो ये कॉमन है, मतलब निकटवर्ती सतह, समझो आप, ए के निकटवर्ती बी भी कहलाती है, ए के निकटवर्ती सी भी कहलाती है, सी के निकटवर्ती बी भी कहलाती है, बी के निकटवर्ती सी, यहां तो इसका मतलब क्या है कि यहां ये निकटवर्ती दी है ए और बी, जबकि यहां ये कैसी है, विपरीत है, मतलब ये पांसा इससे नहीं बन सकता, क्लियर। वो तो सीधी बात, ये तीन समीकरण है, एक दो तीन, यदि किसी समीकरण में दोनों तरफ निशान लगे, आ गए सही के निशान, क्योंकि सही के निशान यहां देख के लगाना, यदि सही के निशान दोनों तरफ लगे आ गए किसी भी समीकरण में, तो वो पांसा नहीं बनेगा। आप बताना, देखो जैसे अब हम इसमें कहें, क्या ये बन सकता, अरे ये ई क्यों लिखे यहां, ए के विपरीत बी, डी के विपरीत एफ, एफ है यहां स्टूडेंट, सॉरी, डी के विपरीत एफ है और सी के विपरीत ई है। अब बताओ क्या ये बन सकता, यहां से डी लिख दिया, यहां एफ लिख दिया, यहां सी लिख दिया, लगाओ निशान, डी यहां है, डी यहां है, एफ यहां है, एफ यहां है, वो बी लग गए, एक ही समीकरण में दो तरफ, सी भले, अब तो एक ही समीकरण में दो तरफ निशान लगे हैं, मतलब ये पांसा इस खुले पांसे से ये बंद पांसा नहीं बन सकता, समझ पा रहे हैं आप। या फिर जो हमने आपको नियम बताया था उससे चेक कर लो, वो नियम हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था स्टूडेंट्स कि दो विपरीत सतहें पर जो भी चीज लिखी हुई है वो ना तो एक साथ छुप सकती है और ना ही एक साथ दिख सकती है। यहां क्या हो रहा कि डी की विपरीत सतह पर क्या है, एफ है, तो यहां हमें डी भी दिख रहा है और एफ भी दिख रहा है, मतलब दोनों विपरीत सतहें एक साथ दिख गई, मतलब ये पांसा नहीं बन सकता, समझ गए। अब देखो बन कौन कौन से सकते हैं, हम फटाफट से सब बना दे रहे जो बन सकते हैं, बन कौन कौन से सकते हैं, देखो यहां से हम ए उठाएं, यहां से हम डी उठाएं और यहां से हम सी उठाएं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि एक एक तरफ के एक एक अंक लिए हमने, दो विपरीत सतहें ना तो इसमें छुपी हैं और ना ही दो विपरीत सतहें दिखी, ठीक है, ये बन सकता। अब देखना और कौन कौन से बन सकते, यहां से उठा लें हम, इसी तरफ के बी एफ और ई रख लें, बी ई और एफ, बिल्कुल ये बन जाएगा क्योंकि एक एक तरफ से उठा लें, ठीक है। और कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट्स, और बन जाएगा यहां से ए उठा लो, यहां से F उठा लो, यहां से C उठा लो, यहां से A उठाया, यहां से F उठाया, यहां से C, एक समीकरण से एक पक्ष यदि हमने लिया है तो ऐसे पासे बन जाते हैं, ठीक है। अब समझ रहे, कई और भी पेयर बन सकते बनने वाले। अब बताओ इसको देखना, क्या ये पासा बन सकता है, यहां से हमने D उठाया, यहां से हमने C उठाया, यहां से हमने E उठाया, यहां से डी उठाया, यहां से सी उठाया, यहां से ई उठाया, क्या ये बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि ये विपरीत सतहों पर थे और यहां कैसे आ रहा है, निकटवर्ती पे, मतलब नहीं बन सकती, ठीक है। आप बताना क्या इस प्रकार का पांसा बन सकता है, यहां लिखा है डी, यहां लिखा है ए, यहां लिखा है एल, एन, कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां तो छह है, ये एन तो एक्स्ट्रा आ गया, छह तो सतह ही होती, ये भी नहीं बन सकता। या फिर हम ये कह सकते कि देखो यहां क्या सी दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्या ई दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, तो दो विपरीत सतहें एक साथ छुप भी नहीं सकती, एक साथ गोल भी नहीं हो सकती, इसमें दो विपरीत सतहें एक साथ गोल हो रही, मतलब ये पासा नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स हमने समझाने का प्रयास किया है, अब हम कुछ प्रश्न हमने यहां पर लिखे हैं, अब हम इनको देख लेते हैं, यही तरीका होता है खुला पासा और बंद पासा का, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो प्रश्न क्रमांक 11 है, इसको आप कैसे हल करोगे, कह रहे हैं इस प्रकार का यदि कोई खुला पांसा दिया गया है, इसको यदि बंद किया जाएगा तो कौन सा पांसा बनेगा, ठीक है, यदि इसे क्लोज किया जाए तो कौन सा पांसा बनेगा। तो सबसे पहले हम जो आसानी से विपरीत निकाल पा रहे हैं उनको निकाल लेते हैं, यही नियम है। तो क्या निकलेगा, जो एट द रेट लिखा है इसके विपरीत सतह पे ये
मतलब वर्ग टाइप का जो भी बना है वो निकलेगा। यहां वर्ग लिखा है, वर्ग के विपरीत क्या निकलेगा, वर्ग ही निकलेगा। और बचे का बचा हुआ मतलब डॉलर के विपरीत क्या निकलेगा, डॉलर के विपरीत हैश टैग निकलेगा, ये हैज निकलेगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ये हमने क्या निकाल दिया, विपरीत शब्दों का रूपस्थ जो भी है। अब हम ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो जब हम ए चेक करते हैं देखो यहां से उन्होंने डॉलर उठाया, यहां से डॉलर उठाया, बिल्कुल सही है। यहां से हैज उठाया, यहां से हैज उठाया, एक एक निशान आ गए। और फिर हमने क्या किया है, ए सॉरी यहां से डॉलर नहीं, गलत निशान लग गया, फिर से देख लेते एक बार। यहां से उन्होंने डॉलर उठाया तो यहां हमने डॉलर में निशान लगा दिया, और यहां से उन्होंने हैज उठाया तो हमने हैज में भी निशान लगा दिया। अब देखो ये कैसी सतहें थी, ये विपरीत थी, लेकिन दोनों विपरीत सतहें यहां एक साथ आ गए। तो अपना नियम क्या है कि दोनों विपरीत सतहें एक साथ नहीं देख सकती हमें पासे, मतलब ये पासा नहीं बन सकता, ऑप्शन गलत। ठीक है, इसी प्रकार से चेक करते जाते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला तरीका कहलाता है ऑप्शंस एलिमिनेटेड मेथड, मतलब ऑप्शंस को आप गलत करते जाओ, फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज कहीं दिया नहीं। ठीक है, बी को चेक कर लेते हैं, इसको देखो यहां डॉलर लिखा, ठीक है, फिर से निशान लगा रहे, डॉलर लिखा हमने, डॉलर में यहां निशान लगा दिया, फिर यहां हैज लिखा हमने, फिर हैज लगा दिया, दो विपरीत सत्य फिर एक साथ देखते हैं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, दो विपरीत सत्य है यहां क्योंकि ये विपरीत हो रहा है, निकटवर्ती कह रहे तो नहीं बन सकता। ठीक है, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, यदि सी ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखो यहां क्या लिखा, एट द रेट, तो यहां एट द रेट लिखा है। फिर देखो जब हम ये खाली वाला स्थान देख रहे हैं, वर्ग वाला स्थान देख रहे हैं, वर्ग वाला, तो वर्ग वाला तो हमें दिख रहा है, लेकिन ना तो यहां डॉलर है ना तो यहां, क्योंकि मान के चलो यदि ये वाला है तो यहां हम कोई भी समीकरण में यहां निशान लगा दें, ठीक है, यहां निशान लगा ले रहा है, या तुम यहां भी लगा सकते हो क्योंकि ये दो दिख रहे हैं, तो ये दोनों तो भी नहीं बन सकता। या फिर आप कैसा तरीका लगाओगे कि देखो इसमें जो डॉलर और हैज है, जो डॉलर और हैज है, यहां ना तो डॉलर दिख रहा ना हैज दिख रहा, मतलब एक पक्ष तो होना था तभी बनता है, तो यहां ना डॉलर है ना हैज, मतलब दो विपरीत सत्य एक साथ छुप गए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। यहां देख लेते हैं, अब चूंकि नन ऑफ दीज है नहीं है, एक जगह से डॉलर उठाया, एक जगह से डॉलर ये उठा लिया, फिर उन्होंने क्या किया होगा कि एक जगह से ये उठाया होगा और एक जगह से ये उठाया होगा, तीनों में अलग अलग समीकरण बन गए, मतलब डी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में, यहां सबसे पहले हम विपरीत सतहों पर उपस्थित जो भी है अल्फाबेट, चूंकि अल्फाबेट और यहां पर डिजिट मिक्स है, इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेट का नियम लगाओ, तो डी की विपरीत सतह पे क्या आ रहा होगा, ई आ रहा होगा, डी की विपरीत सतह पे, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डी की विपरीत सतह पे ई आ रहा होगा, और अल्टरनेट का नियम जब हम लगा रहा होंगे तो ए की विपरीत सतह पे सी आ रहा होगा। ठीक है, बाकी बचे का बचा हुआ, तो अब बचा क्या है, यहां बी बचा है, तो स्टूडेंट्स यहां बी की विपरीत सतह पे इस प्रकार से आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, एक दो तीन और चार आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इसको चेक कर लेते हैं, मतलब ये कह रहे हैं प्रश्न वही है कि ये खुला पासा है, इसको जब हम बंद कर रहे होंगे तो कौन सा पासा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के कैसे तरीके हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखो कि इनको हम बाद में चेक करेंगे, जो बहुत छोटा पार्ट जो है इसको बाद में चेक कर लेंगे, पहले हम कौन से देख ले रहे हैं, पहले हम देख ले रहे हैं कि जो अल्फाबेट मतलब डी ई ए सी जो हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे हैं, कुछ ऑप्शन इससे गलत हो सकते हैं। तो देखो यहां ए लिखा, ए में निशान लगाओ, यहां डी लिखा, डी में निशान लगाओ, यहां तक तो ये सही हो रहे, मतलब एक एक तरफ से एक एक उठाया है। अब हमें इसको यदि गलत करना है या सही करना है तो हमें इनका रोटेशन देखना होगा, एक दो तीन चार इनको देखना होगा। तो देखो यहां ए के साथ में जो अपना सही पासा है, ए के साथ में कितने लिखे, देखो ए के साथ में एक, जब भी हम इसको मोड़ेंगे मतलब बंद कर रहे होंगे, पीछे की तरफ फोल्ड होगा, ये पीछे तरफ मुड़ेगा, तभी हम ये बाहरी सतह पे देखेंगे। जब हम इसे बंद कर रहे होंगे तो ए के साथ हमेशा ए रहेगा, जबकि यहां ए के साथ कितना दे रहे हैं, देखो यहां ए के साथ एक है, ये कभी नहीं बदलेगा, ए के साथ हमेशा एक रहेगा, डी के साथ हमेशा दो रहेगा, ए के साथ चार, और सी के साथ हमेशा तीन रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ए के साथ यहां तीन थ्री लिखा है, जबकि अपने सही में एक सी के साथ थ्री था, मतलब ए के साथ एक आना था, इसलिए कैसा हो गया, गलत, इतने ही से गलत कर दो आप तो। ठीक है, यहां भी देख सकते हैं डी के साथ चार लिखा, जबकि डी के साथ दो आना है, तो ये गलत हो गया। इसको देख लेते हैं, यहां से फिर मिटाओ, इसको चेक करते हैं, ई ई एक जगह से उठाया, सी एक जगह से उठाया, यहां तक तो सही है। अब यहां क्या कह रहे हैं, यहां ई के साथ चार आना है, क्या ई के साथ चार है, बिल्कुल है, सी के साथ तीन आना है, सी के साथ तीन है, बिल्कुल है, यहां तक तो सही हो रहा। लेकिन जब हम यहां देख रहे हैं, देखो एक के सामने तीन आ रहा है, यहां जो अपना फाइनल डायग्राम है, जो सही चित्र है, एक के सामने कितना आ रहा है, तीन आ रहा, जबकि यहां एक के सामने चार आ रहा, यहां सामने देख रहे हैं तो यहां सामने, और दो के सामने चार चाहिए, जबकि यहां दो के सामने तीन आ रहा, मतलब ये ऑप्शन भी कैसा हो गया,
गलत हो गया, आमने सामने की भी आना चाहिए। यहां देखो इसको कैसे करोगे, एक जगह से सी उठाया, एक जगह से डी, यहां तक तो बन रहा है। अब और देखो और कैसे गलत हो रहा, क्या सी के साथ तीन है, सी के साथ तीन है सही है, क्या डी के साथ दो है, हाँ डी के साथ दो है इतना तो सही है, क्या एक के सामने तीन है, बिल्कुल एक के सामने तीन है, क्या दो के सामने चार है, बिल्कुल दो के सामने चार है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखो, इस पासे को जब हम फोल्ड कर रहे होंगे मतलब बंद कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से पीछे जा रहा होगा, मतलब यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लिखे आते हैं तो इनके जो क्लॉकवाइज होते हैं, यदि हम इनको क्लॉकवाइज लेते हैं मतलब घड़ी की दिशा में यदि इनको लेते हैं तो इनकी विपरीत सतह जो बन जाती है ये ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज बन जाती है। लेकिन देखो जब हम यहां जैसे एक से आप चालू करो, एक से यदि आप चालू करो तो ये इस प्रकार से एक दो तीन चार ये कैसे मिल रहा है, घड़ी की दिशा है ये, तो ये हमें कैसे मिल रहा है, क्लॉकवाइज मिल रहा है, कैसे मिल रहा है क्लॉकवाइज। और यहां भी जब हम देख रहे हैं तो एक दो तीन चार ये भी हमें कैसे मिल रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज का अपोजिट क्लॉकवाइज नहीं होगा इसलिए गलत होगा, क्लॉकवाइज का अपोजिट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसको चेक कर लेते हैं डी वाले ऑप्शन को, आप देखो क्या ए के साथ ए है, ए के साथ एक है, बिल्कुल है, डी के साथ दो है, डी चूके है ही नहीं, ए और ई आना है क्या, पहले यहां से चालू करते ई, एक तरफ से ई यहां तक तो बन रहा, ए के साथ एक है बिल्कुल है, ई के साथ चार है बिल्कुल है, ई के साथ चार है, क्या चार के सामने दो है, चार के सामने दो है, क्या एक के सामने तीन है, बिल्कुल है एक के सामने तीन है। अब जो क्वेश्चन में हमें जो क्लॉकवाइज दिया था इसका क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे प्रश्न में, तो ये सही होगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब हमें आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन प्रश्न क्रमांक 13 जो यहां पर लिखा है इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, प्रश्न नंबर 14 भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्यों बताएं, क्योंकि कह रहे हैं एक पासे में दो तीन छह एक साथ लिखा हुआ है तथा दूसरे पासे में एक तीन पांच एक साथ लिखा हुआ है तो दो के विपरीत सतह पर उपस्थित अंक क्या होगा, ठीक है। हमने आप हमारा पार्ट फर्स्ट देखें इसका, हमने आपको कोरमाइन नियम बताया है, यहाँ तीन यहाँ भी है और तीन यहाँ भी है, दोनों जगह कॉमन है तो कोरमाइन नियम लग जाएगा, और कोरमाइन नियम लगा के आप हमें बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा। अब स्टूडेंट्स आगे हमने आपको बताया है, अच्छा एक और लिखा है ये प्रश्न क्रमांक 15वां, ठीक है इसको हम समझा देते हैं, 15वां इस प्रकार का पासा है और यहां पर आपको इसके बंद पासे दिए हुए हैं, जल्दी से देख लेते हैं, अल्टरनेट का नियम लगाओ तो डी की विपरीत सतह पे क्या रहा होगा, ई आ रहा होगा, डी की विपरीत सतह पर ई, ए की विपरीत सतह पे क्या रहा होगा, ए की विपरीत सतह पे आ रहा होगा सी, बचे का बचा हुआ क्या बच रहा है, बी बच रहा है, और यहां क्या बच रहा है, यहां बच रहा है चार एक दो और तीन, ठीक है तो इसकी विपरीत सतह पे यह आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बस हम चेक कर लेते हैं, देखो क्या इसको चेक करो, कह रहे हैं एक तरफ से ई उठाया है, बिल्कुल एक तरफ से उठाया, एक तरफ से सी उठाया, यहां तक तो बनता है, ई के साथ में यहां चार लगा है, यहां ई के साथ में तीन लगा है, गलत, इसके आगे चेक नहीं करो, यहां देखो इसको जब हम कर रहे होंगे तो एक तरफ से ई उठाया है, एक तरफ से ए उठाया, यहां तक तो बनता है, ई के साथ तीन है, ई के साथ तीन है सही है, ए के साथ चार है, ए के साथ चार है सही है, लेकिन देखो यहां नोक नहीं बनी जैसे ये त्रिभुज बना होता और यहां बनी है क्या नोक, मतलब ये गलत होगा इसका अपोजिट, क्योंकि हमें इस प्रकार के खाने मिलना चाहिए वही सही होंगे और यहां बने हैं त्रिभुज, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। इसको चेक कर लेते हैं सी वाले ऑप्शन को, डी के साथ में, डी के साथ में चार है और सी के साथ एक है तो ये भी गलत है, यहां सी के साथ दो बता रहा, सी के साथ दो बता रहा जबकि सी के साथ यहां, हाँ हालांकि ठीक है सी के साथ दो है, हाँ दो मान सकते हैं सी के साथ दो है, ठीक है और डी के साथ में चार है जबकि डी के साथ यहां एक है इसलिए ये गलत होगा, ना नाप दीजिए नहीं, इसको चेक कर लो, एक तरफ से ए उठाया, एक तरफ से डी उठाया, बिल्कुल एक तरफ से ए डी यहां तक तो सही है, फिर डी के साथ में चार है क्या, डी के साथ में चार है, यहां तो नहीं है, डी के साथ में एक है, हाँ डी के साथ में एक है तो यहाँ डी के साथ एक है, ए चार के साथ होगा सॉरी, डी के साथ एक है यहां तक तो सही है, डी के साथ एक है, क्या ए के साथ चार है, हाँ ए के साथ चार है कहीं नहीं जाएगा, यहां तक सही है, क्या चार के सामने दो है, क्या चार के सामने दो है, चार के सामने दो है, एक के सामने तीन है, एक के सामने तीन है, और यदि
इसी प्रकार के बॉक्स बने हैं, चौकोरा बिल्कुल चौकोर बॉक्स बने हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं बिल्कुल फटाफट से, 5 मिनट और बचे। खुले पासे से बंद पासा बनाना, खुले पासे से कैसा बना रहे हम, बंद बना रहा, तो इसमें भी आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन वो कैसा करेंगे, वो कहेंगे कि इस प्रकार से आपको 2 बंद पासे दिए हैं, या 3 बंद पासे भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, उनमें आप कौन सा रूल से याद करना, उसमें आपको नियम याद करना है कि विपरीत सतहों पर उपस्थित जो भी था वो आप कैसे निकालते थे, हमारे पार्ट फर्स्ट में वो देख सकते हो। यहां जैसे ये 2 पासे दिए हैं, तो यहां तो हमें ऐसा लगता है कि कोरमान नियम लग रहा, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। ठीक है, तो यदि किसी 2 पासों पर एक कोई रंग अंक वर्ण या कोई भी चीज उपस्थित होती है कॉमन, तो हम कोरमान नियम लगा सकते हैं। इसमें जब हम कोरमान नियम लगा रहा हूं, तो 3 कॉमन है, कॉमन को ऐसा लिख जाता, और फिर किसी भी पासे में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल जाया करें, यहां से अपन क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहां 3 के बाद में 5 और फिर 2, 3 के बाद में कितना आ रहा, 5 आ रहा, फिर 2 आ रहा, तो यहां से इसी प्रकार से लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, 5 यहां से लिखना चालू करना, 3 ऊपर दूसरे स्थान पर लिख लिया करें। ठीक है, 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 2, अब यहां 3 कॉमन थे, यहां क्लॉकवाइज चले तो यहां भी क्लॉकवाइज, 3 के बाद में कितने आ रहे हैं, 6, 6 यहां लिख दो, 6 के बाद कितना आ रहा होगा, 4, 4 यहां लिख दो। अब देखो किसी भी पासे पे 6 सतह होती है, माने 6 अंक होते हैं। ठीक है, अब यहां 5 अंक ऑलरेडी आपको दिख रहा है, बचा क्या है, 1 जो कॉमन था, कॉमन के विपरीत बचा, बचे का बचा हुआ होता है, तो 3 के विपरीत सतह पे क्या होगा, 1, मतलब हमने सब सतहों, यदि इसी में विपरीत सतहों पर उपस्थित अंक रंग वर्ण पूछते हमने निकाल लिए, 3 की विपरीत सतह पे 1 होगा, अल्टरनेट का नियम यहां भी लगता है, 5 की विपरीत सतह पे 6 होगा, 2 की विपरीत सतह पे 4 होगा, ये हमने सब निकाल दिए, क्या निकाल दिए, 5 की विपरीत सतह पे 6 आ रहा होगा, 3 की विपरीत सतह पे 1 आ रहा होगा, ठीक है, और 2 की विपरीत सतह पे 4 आ रहा होगा, हमने सब निकाल दिए। अब आप चेक करो क्या, अब इसी प्रकार से यहां निकालो क्या, 1 की विपरीत सतह पे 3 है, यहां भी अल्टरनेट का लगाओगे तो कहोगे आप बिल्कुल 1 की विपरीत सतह पे 3 है, यहां भी है, सही है, क्या 5 की विपरीत सतह पे 6 है, बिल्कुल 5 की विपरीत सतह पे 6 है, मतलब ये भी सही है, बचे का बचा हुआ, 2 की विपरीत सतह पे 4 है, 2 की विपरीत सतह पे 4 है, तो केवल इस प्रकार का इन बंद पासों से ये खुला पासा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कई प्रकार के पासे बन सकते थे, यहां पर ये रूल से लागू होना चाहिए, विपरीत हमने निकाल दिए तो यहां भी विपरीत वही मिलना चाहिए, ऐसे मिला लेते हैं। इसको चेक करो, यहां कोरमान नियम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज हमें क्या है, यहां पर कॉमन दिख रही नहीं दिख रही, तो इनके विपरीत कैसे निकलते हैं, कि इसको हम जैसे पास वाला समझे, पास वाले के विपरीत होता है स्टूडेंट हमेशा दूर वाला, माने सी के विपरीत सतह पे एफ आ रहा होगा, इसमें सी के विपरीत सतह पे क्या आ रहा होगा, एफ आ रहा होगा, और दूर का होता है पास वाला, ए की विपरीत सतह पे डी आ रहा होगा, ए की विपरीत सतह पे डी आ रहा होगा, और ऊपर का विपरीत ऊपर होता है, बी का विपरीत ई आ रहा होगा, बी का विपरीत ई आ रहा होगा। अब हम यहां चेक करते हैं, क्या ए का अल्टरनेट का नियम यहां भी लगेगा, क्या ए के विपरीत डी है, क्या ए के विपरीत डी है, क्या सी के विपरीत एफ है, सी के विपरीत एफ है, यहां भी विपरीत है और यहां भी विपरीत, क्या बी के विपरीत ही है, बचे का बचा हुआ होता है, बिल्कुल बी के विपरीत ही है, मतलब ये ऑप्शन, इस प्रकार का पासा, इन बंद पासों से इस प्रकार का खुला पासा बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको आज खुले पासे और बंद पासे संबंधित प्रश्न समझाए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, धन्यवाद।